नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ विशेष तथ्य बताने के लिए ये लेक्चर बनाया गया है। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो नंबर के क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास में बनता है। उसमें समाज सुधारकों की बात करें तो राजा राम मोहन राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अधिकतर परीक्षाओं में एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक थे, जिन्होंने मध्ययुगीन भारत में फैली हुई बहुत सारी विरोध जो बुराई थी उनको जड़ से मिटाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं हम लोग। देखते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुगली जिला है, हुगली जिले में राधानगर गांव में। जैसे एग्जाम में पूछा जाए राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, तो ईस्वी पूछा जाए वर्ष, तो 1772 ईस्वी में पूछा जाए कहाँ पर, तो बात है राजा राम मोहन राय पश्चिम बंगाल में राधानगर गाँव है वहाँ पर। और राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ टाइम नौकरी भी की थी, ताकि वो वहाँ अंग्रेजों के रहन सहन, उनके बर्ताव, वो कैसे काम वो करते हैं, इसको जानने के लिए वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम के लिए नौकरी भी की, 1804 से 1814 ईस्वी तक। और राजा राम मोहन राय ने विभिन्न भाषाओं में के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिनमें से प्रमुख हैं अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिब्रू एवं लैटिन भाषा। क्योंकि तो कोई भी मनुष्य होता है जो कई सारी भाषाओं को जानता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ता है, वो अपने आप ही विद्वान होता चला जाता है। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया, तो जो सीधी सी बात है बहुत सारी बुकों को, किताबों को उन्होंने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तो महान इंसान बनना तो निश्चित था। और इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक बांग्ला गद्य का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने अपने समय में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियों का अंत करने का बेड़ा उठाया, जिसमें से बहुत प्रमुख है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में बताया जाता है कि सती प्रथा में जब भी कोई स्त्री होती थी, उसका अगर पति मर जाता था या किसी प्रकार से दुर्घटना में या अपनी मृत्यु से मर जाता था, तो उस आदमी की जो पत्नी होती थी उसको भी अपने पति के साथ ही चिता में जलना होता था, यानी उसको भी मरना होता था। बड़ी ही क्रूर ये स्थिति होती थी। मान लीजिए पति मर चुका है और पत्नी भी, उसको भी सती होना है, तो उसके बच्चे जो भी हैं उनका लालन पालन कौन करेगा। तो बहुत विकट समस्या थी और ये बहुत ही बड़ी बुराई थी। राजा राम मोहन राय की भाभी जी को भी इसी प्रकार से सती प्रथा का सामना करना पड़ा था। तो इनके मन में, राजा राम मोहन राय के मन में बचपन से ही ये थी कि जब मैं इस लायक हूँगा कुछ करने के लिए तो सती प्रथा का अंत जरूर करूँगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बैंटिंग, जो गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय, ने सती प्रथा को एक कानून बनाकर उसको निषेध कर दिया। यानी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नियम के द्वारा, तो नियम 17 है, और पूछा जाता है एग्जाम में किस वर्ष सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो उसका आंसर होगा 1829, और कौन गवर्नर जनरल था, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बैंटिंग। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो मेन मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको तो थोड़ा हाईलाइट भी किया गया है। ठीक, अगले देखते हैं। अगला, राजा राम मोहन राय को क्या क्या लोगों ने कहा है इसके बारे में। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, यानी कि दूत, यानी कि मैसेंजर, अग्रदूत यानी कि आने वाले युग का जो पहले से सूचना दे दे। आप देखते हैं इस टाइम में अधिकतर बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये विधवा विवाह का जो निषेध था वो बहुत सारी प्राचीन टाइम की चली आ रही कुरीतियाँ हैं, हम लोग देखते हैं आज के समय में ये नहीं है। और इनको कहा जाता था अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, यानी कि अतीत और भविष्य, यानी पिछला और आने वाला, भविष्य के बीच का एक पुल का रूप में जो काम करता हो, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, और आधुनिक भारत का इनको पिता कहा जाता है। ठीक, 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की, तो उसका आंसर होगा 1828 में, ब्रह्म
राजा राम मोहन राय ने की। और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी किताबों और पत्रिकाओं का रचना की, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। तो बहुत सारी प्रमुख पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो पहला देख सकते हैं ईशा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, ठीक। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार नियम। तीसरा है संवाद कौमुदी या फिर प्रज्ञा चांद। बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है संवाद कौमुदी, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। मीरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार किस भाषा में है। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में ये प्रकाशित होती थी। अगला है ब्रह्म क्रॉनिकल, यह किस भाषा में होती थी प्रकाशित, या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और बहुत ही एग्जाम में ये पूछा गया है कि केशरवादियों का उपहार या फिर तुफात उल मुबाहिदीन किसके द्वारा रचित है, ये भी राजा राम मोहन राय ने लिखी है, ठीक। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपने समय में बहुत सारे संस्थानों की स्थापना भी की, जिसमें प्रमुख हैं आत्मीय सभा, वेदांग सोसाइटी, हिंदू कॉलेज। एकदम में पूछा था हिंदू कॉलेज उन्होंने किसके साथ मिलकर शुरू किया, इसको उसका नाम है डेविड हेयर। अगला है प्रिसेप्ट ऑफ जीजस, कोलकाता यूनिटेरियन, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म सभा, जैसे कि बता चुके हैं ब्रह्म सभा 1828 में, ठीक। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुत सारा अगर एग्जाम में कोई भी पूछा जाए आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो पहला आंसर होगा उसका राजा राम मोहन राय। 1850 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी, कि राजा राम मोहन राय में राजा जो शब्द है जो आगे का, ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन के जो उस समय सम्राट थे विलियम चतुर्थ, उनके दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा था अपना दूत बनाकर, ताकि वो अपनी पेंशन जो अंग्रेज उनको देती थी अकबर द्वितीय को, उसको बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और उनको वहाँ पर ब्रिटेन में अपना दूत बनाकर भेजा। और वहीं पर ब्रिटेन में बिस्टल जगह पर 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत भी कहा है। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है किसने किसको क्या कहा, तो ये मेन मेन चीज़ें हैं इसमें। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप जब एग्जाम में कभी जाएं तो जल्दी से आपका रिवीजन हो सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट भेजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।